दोस्तों, मैं इस YouTube वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जानकारी प्रदान करता हूँ साक्ष्य का स्थान के संबंध में। किसी भी आपराधिक प्रकरण में साक्ष्य का क्या स्थान होता है? दोस्तों, न्याय प्रशासन में साक्ष्य का महत्वपूर्ण स्थान है। साक्ष्य द्वारा ही सत्य असत्य की खोज की जाती है। साक्ष्य के अभाव में किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता है। आपराधिक मामलों में अभियोजन का अपना मामला संदेह से परे साबित करना होता है। तनिक संदेह मात्र से अभियुक्त दोषमुक्त हो सकता है। धर्म शास्त्रों में भी कहा गया है कि न च संदेह दंड कुर्याता, अर्थात जब तक संदेह है राजा द्वारा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाना चाहिए। रामजस बनाम सुरेंद्र नाथ के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा यह कहा गया है कि साक्ष्य विधि न्यायालयों का मार्ग प्रशस्त करती है। यह ऐसे नियमों का प्रतिपादन करती है जो न्याय प्रशासन के सुचारू संचालन में सहायक होते हैं। ऐसे महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन न्याय प्रशासन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के लिए और विशेष रूप से कनिष्ठ अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, इस प्रकार मैं आप लोगों को किसी भी अपराध में साक्ष्य का क्या स्थान होता है उसके संबंध में मैं बताया। कानून की नई नई जानकारी लेने के लिए मेरे चैनल में बने रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कानून का जानकार व्यक्ति बने, सुंदर भारत निर्माण में अपना विशेष योगदान प्रदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।